Hello viewers, this is Gyan Shree Tutorial and I am Ritu Sharma and today we will learn about may and mayhem. देखिए may किन किन conditions में use होता है और वो may जो है कब may have बन जाता है, इस सारी situation को हम इस video में समझेंगे, but हम समझेंगे spoken के तरीके से ताकि आप उसको easily follow कर सके और अपने व्यवहार में ला सके, आप समझ सके कि किन situations को describe करने के लिए, किन situations को English में बताने के लिए हम may and may have का use करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मे एक मॉडल वर्ब है तो नो डाउट उसके काफी सारे यूज होंगे. मैंने लिखे भी हैं मे इज यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन. मे आई कम मैम, मे आई गो मैम, मे आई टेक फूड, मे आई हैव योर पेन. परमिशंस हम सब जानते हैं परमिशन कैसे लेनी है. जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो शुरू में ही उनको परमिशन लेना सिखाया जाता है टीचर्स से एंड ऑल, तो इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन एज वेल एज इट इज यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन लाइक यू मे गो नाउ, यू मे हैव फूड एक्सेट्रा. सो इट इज यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन ऑल्सो. एंड उसके बाद हम देखेंगे मे जो है वो यूज होता है विश के लिए. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव गुड मार्क्स, मे यू हैव गुड हेल्थ. ये सारी क्या है, ये हमारी विश है दूसरों के लिए, इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं मे. बट आज जिस मे की हम बात करेंगे दैट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? पॉसिबिलिटी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है संभावना. हम सभी को पता है अब संभावना कौन सी, फ्यूचर की संभावना, पास्ट की संभावना. फ्यूचर और पास्ट दोनों के अंदर संभावनाओं का जिक्र हम करते हैं और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि फ्यूचर के विषय में हम कहीं भी श्योर नहीं होते हैं. कि कई बार हम बहुत बार अक्सर ये कहते हैं कि हो सकता है मैं ये करूं, हो सकता है मैं वहां जाऊं, हो सकता है आज बारिश आए, हो सकता है बारिश ना आए. तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये अंदाजे हैं जो भविष्य के बारे में हमने लगाए. अगर कोई आपको ये कहता है कि विल यू कम टुमारो, तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स हैं. कैसे, अब मैं क्या कहूंगी कि आई विल कम टुमारो, इट मीन्स आई एम 100% श्योर कि मैं कल आऊंगी. या आई विल नॉट कम टुमारो, इट मीन्स आई एम ऑल्सो 100% श्योर दैट आई विल नॉट कम टुमारो. बट कभी कभी मैं कह सकती हूँ शायद, या हो सकता है मैं आऊं, या ये भी हो सकता है कि मैं ना आऊं. तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज करेंगे मे को. आई मे कम टुमारो एज वेल एज आई मे नॉट कम टुमारो. सो इस तरह की कंडीशंस में हमने बनाई संभावना. अब कई बार लोग माइट का भी जिक्र करते हैं तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. अगर मैं ये कहूं शायद मैं कल आऊंगी, तो मैंने क्या कहा, पॉसिबिलिटी है आने की, ज्यादा पॉसिबिलिटी, तो मैंने कहा आई मे कम टुमारो. और मैं ये कहूं मैं शायद ही आऊंगी, इट मीन्स लीस्ट पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी है. तो ऐसी कंडीशन में हम माइट का यूज कर देते हैं, आई माइट कम टुमारो, क्योंकि मे और माइट भाई है, दोनों संभावना को ही दर्शाते हैं. अब देखिए मे के यूज, इट मे रेन टूडे, आज शायद बारिश होगी, ठीक है. फ्यूचर की कोई भी संभावना, आई मे गो टू हिल स्टेशन दिस समर, मैं शायद इस समर हिल स्टेशन जाऊंगी. इसके अलावा माई ब्रदर मे कम टुमारो, मेरा भाई शायद कल आएगा. इस तरह की जितने भी संभावनाएं हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितना भी शायद है, उस सारे शायद के लिए हम यूज करते हैं मे. मे इज यूज फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट इट. अब हम बात करते हैं मे हैव की. अब ये जो मे है, ये मे हैव कब बन जाता है, अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे मे एक मॉडल है और इसमें जो है जब हम बात करेंगे हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. लेकिन मे हैव की जब हम बात करेंगे तो हम इंग्लिश में देखते ही हैं जहां पर भी हैव होता है उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. और वैसे हम इसका यूज कहां करेंगे ये हम अब देखेंगे. मे हैव इज यूज फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी. अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी तो आप समझ गए भाई, भविष्य जो है संभावनाओं से भरा हुआ है. लेकिन जब हम बात करेंगे मे हैव मीन्स पास्ट पॉसिबिलिटी, तो आप सोचेंगे कि पास्ट में कैसी पॉसिबिलिटी. तो देखिए कई काम जो हम कर चुके हैं या जो काम हो चुके हैं लेकिन उनके बारे में भी हम अंदाजे लगाते हैं. अब ये चीज मैं आपको समझाऊंगी
एग्जाम्पल से, इट मीन्स उदाहरण से, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल, मैं उठी सुबह, मैंने देखा अरे हर तरफ गीला है, तो मैं क्या अंदाजा लगाऊंगी, रात को शायद बारिश हुई होगी, मुझे श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि बारिश हुई हो या किसी और वजह से गीला हो, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया, वो पास्ट में हुआ काम है जिसके बारे में मैं अंदाजा लगा रही हूँ, और इसको हम पास्ट पॉसिबिलिटी कहते हैं। मैंने क्या अंदाजा लगाया, कल शायद बारिश हुई होगी, इट मे हैव रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात बारिश हुई होगी। अब उसके अलावा एक और मैं चीज आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है, हमारे घर मेहमान आते हैं, अब वो मेहमान जाते भी हैं, या हमारा कोई फैमिली मेंबर कहीं बाहर जाता है, अब अराइवल टाइम है 8 o'clock, लेकिन हम ये अपने माइंड में ही सोच लेते हैं कि ट्रेन जो है कुछ लेट भी हुई होगी या ट्रैफिक की वजह से वो कुछ लेट भी हुआ होगा, तो उसके बाद हम क्या अंदाजा लगाएंगे, हम सोचना शुरू करते हैं कि वो 8 बजे की ट्रेन थी, 8 बजे का अराइवल टाइम था, तो अब 9 बज चुके हैं, वो पहुंच गया होगा, ये हमने अंदाजा लगाया, वो काम पहुंचने का काम जो पास्ट में हो गया है उसके बारे में हम अंदाजा लगाते हैं, तो हमने क्या अंदाजा लगाया, ही मे हैव रीच्ड। अब इसके अलावा कई बार ऐसा जरूरी नहीं है हम मिनट मिनट में किसी को कॉल करें, लेकिन जब हमारा कोई अपना या किसी मदर, कोई मदर अपने बच्चे से जब अलग होती है, वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाता है, तो अक्सर मन के अंदर उन्हीं की मेमोरी, उन्हीं की याद रहती है, हर टाइम वो अपने बच्चे के बारे में ही सोचती हैं, लेकिन हर टाइम कॉल नहीं कर सकती, तो अंदाजे लगाती है वो उठ गया होगा, ही मे हैव गॉट अप, उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव टेकन फूड, अब वह कॉलेज चला गया होगा, ही मे हैव रीच्ड कॉलेज, इसके अलावा वह घर आ गया होगा, ही मे हैव कम बैक होम, इस तरह से जो है हर समय वो अपने बच्चे से रिलेटेड अंदाजे लगाती रहती हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब हम इन कंडीशंस के अंदर मे का यूज करते हैं तो हम पास्ट में बनाएंगे और कम कहेंगे मे है। अब मैं कुछ और सिचुएशंस आपको बताती हूँ। देखिए आप मैच देख रहे थे, क्रिकेट मैच, और कोहली जो है बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था और अचानक से लाइट चली गई, वो उस समय 97 पे था, तो 5-10 मिनट बाद आप अंदाजा लगाना शुरू करेंगे उसने शायद 100 रन या सेंचुरी बना ली होगी, कोहली मे हैव स्कोर 100 या कोहली मे हैव हिट अ सेंचुरी। इसके अलावा अगर इंडिया मैच जीतने वाली थी, क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन पे आप थे और किसी कारण से आपको कहीं जाना पड़ा या आप मैच नहीं देख पाए, आप जो है 2 ही बॉल बाकी थी, निर्णायक बोले थी, तो आप उसके बाद आप क्या करेंगे, 5-10 मिनट बाद अंदाजा लगाएंगे शायद इंडिया जीत गई होगी, इंडिया मे हैव वॉन द मैच। इस तरह से जो काम पास्ट में हुए उनके अंदाजे लगाने के लिए हम जो है मे हैव का यूज करते हैं, वो बातें जो पास्ट में हुई और जिनके बारे में हम श्योर नहीं है। इसके अलावा कई बार हम देखिए अपनी बाइक स्कूटी रिपेयर करने के लिए देते हैं, अब मुझे टाइम मिला कि आप 5 बजे आइएगा, आपको आपकी बाइक 5 बजे या आपकी स्कूटी 5 बजे मिल जाएगी, तो अब ऐसी कंडीशन में मैं 5-5:30 बजे में सोचूंगी अरे आधा घंटा ज्यादा हो चुका है, या 6 बजे मैं सोचूंगी कि अब तो काफी टाइम हो गया है, तो हो सकता है मेरी स्कूटी रिपेयर हो गई हो या उसने मेरी स्कूटी रिपेयर कर दी हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहूंगी, ही मे हैव रिपेयर माई स्कूटी। सो पास्ट में उसने टाइम दिया, पास्ट में हो चुकी होगी, लेकिन मैंने कुछ समय बाद अंदाजा लगाया शायद वो हो गई होगी। या इसके अलावा मैं एक और सिचुएशन आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है हम पास्ट के अंदर शॉपिंग करते हैं, आप मैंने एक बैग 2 साल पहले खरीदा और किसी ने मुझसे पूछा अरे इट्स वेरी नाइस आपने कहाँ से लिया, तो आप मुझे याद नहीं है कि मैंने वो कहाँ से लिया, तो मैं अंदाजा लगूंगी मैंने शायद ये दिल्ली से लिया होगा, आई मे हैव बॉट इट फ्रॉम दिल्ली, या आपने कितने का लिया, आई मे हैव बॉट इट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अब सबसे पहले तो मैंने यही कह दिया, अब मैं अंदाजा भी लगा सकती हूँ, आई मे हैव बॉट इट ऑफ 1000 रुपीज। इस तरह से जो है मैंने पास्ट के अंदाजे लगाए। इसके अलावा और बहुत तरह के अंदाजे आप
पास्ट में लगा सकते हैं, पास्ट भी पॉसिबिलिटीज से भरा होता है, कई बार इग्नोरेंस की वजह से, कई बार जब हम चीजों को जान नहीं रहे होते हैं उनकी वजह से। इस तरह से जो है हम मे का यूज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे और मे हैव का यूज हम करेंगे पास्ट पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक इट। Thank you.